एक सवाल काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे थे, काफ़ी बार पूछा गया कि डज जीपीए रियली मैटर्स। तो मैंने सोचा कि इसका जवाब देना चाहिए। अब जीपीए बेसिकली क्या है? ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो यूनिवर्सिटीज़ में एक स्टूडेंट को जज करने का तरीका है। मैं लफ्ज़ अपना दोबारा से इस्तेमाल करूँगा, जज करने का तरीका है। जीपीए अगर देखा जाए तो काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैं इसका इस तरह से जवाब नहीं दे सकता कि यस या नो, कि ये मैटर करता है या नहीं करता। हमारे पास हमारे बैच में काफ़ी ऐसे लड़के थे फॉर एग्जांपल, जिनका जीपीए 2.1 था और एक का जीपीए 2.3 था, और वो एक अच्छी फर्म्स में जॉब कर रहे हैं अभी। पीएनजी, यूनिलीवर, इस तरह की फर्म्स में भी 2.1 वाले जॉब करते हैं। अब 2.3 वाले भी पाकिस्तान टोबैको कंपनी में लगे हुए हैं, और हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि 3.88 जीपीए वाले इस वक्त फारिग बैठे हुए हैं। तो ये तो सिंपल आपके केसेस हैं, लेकिन ये भी है कि 3 अबव वाले मोस्टली ज़्यादा रिक्रूट होते हैं जॉब्स पर, और 3 बिलो वाले मोस्टली कम रिक्रूट होते हैं। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो ये 30% और 70% का परसेंटेज है, अगर 3 वाले ऊपर, और 3 से ऊपर 70% रिक्रूट होते हैं और 3 से नीचे 30% रिक्रूट होते हैं। तो लेकिन जीपीए एज सच मैटर इस तरह से नहीं करता कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हों, जिसको हम यूनिवर्सिटी की ज़बान में कहते हैं कि अगर किसी को बातें बनाना आती हों तो उसके लिए जीपीए मैटर नहीं करता। सेकेंडली, अगर आपके पास स्किल हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा स्किल है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रो यूज़ कर सकते हैं, आप ऑटो कैड यूज़ कर सकते हैं प्रोफेशनली, आपकी कोई अच्छी लैंग्वेज है, HTML, CSS, इस तरह की कोई, तब भी आपके लिए जीपीए मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर आप इस कंपनीज को ये स्किल चाहिए, आपका जीपीए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम FSC के मार्क्स की बात कर लें, आई ऑब्टेंड 1002 आउट ऑफ 1100, क्या जीकी में एडमिशन होने के बाद इन मार्क्स ने मेरी को हेल्प की? नहीं। ये मार्क्स लिए, गेन किए, बहुत ही अच्छी बात है, FSC तक बहुत ही इनका एक चार्म रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी में आने के बाद कोई नहीं पूछता कि आपके FSC के मार्क्स कितने थे। इसी तरह जॉब में आने के बाद कोई नहीं पूछता कि आपके FSC के, अब जो हाईएस्ट पेड हमारा इस वक्त बैच में लड़का लगा है, वो उसकी 3.5 GPA, जाहिर बात है कि हाईएस्ट पेड 3.5 पे आके लगा है, तो 3.9 वाला हाईएस्ट पेड नहीं है। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो ये डजेंट मीन कि जिसकी सबसे ज़्यादा जीपीए होगी उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी जॉब लगेगी। तो अगर, सेकेंडली दोबारा उस बात पे आऊँगा, अगर आपके पास कम्युनिकेशन, आप सेकेंडली आपके पास स्किल, और थर्ड आपका जीपीए, इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी है तो आपके जॉब के अच्छे चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़के के पास बहुत अच्छा स्किल है कि वो ऑटो कैड कर सकता है, फिर तो वो फ्रीलांसिंग में घुस जाएगा और उसको जीपीए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, उसका बहुत अच्छा जीपीए है, तो जो कंपनीज आती हैं जिनका कट ऑफ होता है जीपीए 3 या 3.2, तो वो इस साइड निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का बहुत ही अच्छा है बोलने में, कम्युनिकेशन में, बातें बनाने में और कन्विंस करने में लोगों को, लेकिन इसको भी तो ज़रूरत पड़ेगी कि उन जॉब्स में जाने के लिए जहाँ पे कट ऑफ होगा, लेकिन ये लड़का वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा जहाँ पे जीपीए कट ऑफ नहीं है। तो अगर जो लड़के बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में घुस जाते हैं, उनकी सोशल लाइफ नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी सोशल लाइफ भी कम्प्लीटली पूरी हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना जीपीए बचाने के चक्कर में अपनी सोशल लाइफ तबाह कर दें। आपको ज़रूर जीपीए 3.1, 3.5, ये एक अच्छी रेंज है जीपीए की, 3 से 3.5, 3.5 से ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, 3 से नीचे भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेशन वाले और जो 4 GPA लेने वाले, इन दोनों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 2 वाला भी और 4 वाला भी। 4 लेने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 2 लेने के लिए बड़ी मेहनत करती है। आप इन दोनों साइड्स पे ना रहें, बल्कि आप एक मिडल पाथ चूज़ करें 2.8 से 3.5 का। दिस शुड बी योर रीजन, क्योंकि या तो आपके पास उन तीन चीज़ों में से सी यानी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी S3 यानी जीपी, इन तीनों में से कुछ एक है तो इट इज़ रियली बेस्ट। तो एट द एंड में यही कहूँगा कि जीपीए इस तरह से रियली मैटर नहीं करता। आप अपनी सोशल लाइफ, यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब ना करें, इतना ज़्यादा मत घुसें, टेंशन ना लें, स्किल डेवलप करें, कॉन्सेप्ट सीखें, तो इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी आसान जाएगी। और फोर्थली, अगर आपके पास कोई सिफारिश है तब भी जीपीए मैटर नहीं करता, तो जिसको आप पवा कहते हैं, तो इसको मैंने पी कहा, तो आपके पास ये 4 रूल हैं, CS GP, कम्युनिकेशन स्किल्स, जीपीए या सिफारिश पावा। तो अगर आपके पास ये चारों में से कोई एक चीज़ भी है तो आप ज़रूर सक्सेसफुली
ऐसा कर सकते हैं। होपली आपका जवाब हमने दिया होगा। सबमिशन थी एक लड़के की कि क्या जीपीए मैटर करता है या नहीं करता। थैंक यू।